ये तुम क्या कर रहे हो माइकी? तुम सेओनागे से बचने के लिए बैक फ्लिप्स नहीं मार सकते? पर क्यों? बैक फ्लिप्स बचाव का अच्छा तरीका है। देखो, तुम्हें सेओनागे से बचने के लिए मेरे पीछे से रोल करके मुझे गिरा कर जकड़ना चाहिए, पर फिर भी मैं ब्लॉकिंग करके तुम्हें। देखो यार, मुझे हिसाब किताब मत सिखाओ, क्योंकि मैं फ्लिपिंग का आइंस्टाइन हूँ। पहले इसका मतलब तो बताओ। मास्टर स्प्लिंटर, आप ही बताइए सेओनागे से बचने के लिए इसको क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता। बताइए ना, आपको तो हर अटैक का जवाब मालूम है। अगर लड़ाई में तुम प्लान ही बनाते रहोगे तो तुम्हारा ध्यान भटक सकता है। खुद को इतना तेज तर्रार बनाओ कि बिना दिमाग लगाए लड़ सको। बिना सोचे समझे कोई कैसे लड़ेगा? तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। सेओनागे से बचने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो सेओनागे नहीं था। हाँ, पर तुम सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, अब बताओ, क्या तुम सनसनाती हुई बैक किक से बचना चाहोगे? मैं समझ गया। दिमाग में जोर तो नहीं पड़ा डॉनी? क्या हो रहा है डॉनी? कुछ खास नहीं, बस अपने मास्टर प्लान को पूरा कर रहा था। कैसा मास्टर प्लान? हाँ, मैं अप्रैल को घुमाने ले जा रहा हूँ। ये छोड़ो और उससे पूछो, अप्रैल क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? देखो, ये इतना भी आसान काम नहीं है। मुझे हर एंगल से सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा, तभी बात बनेगी। अब जाओ यहाँ से। ये तो बड़ा रोमांटिक निकला। सुनो, देखो, अगर अप्रैल ने होमवर्क की वजह से मना कर दिया तो मैं उसकी पढ़ाई का ध्यान रखूंगा और दिमागी तंदुरुस्ती के लिए उसे बादाम खिलाऊंगा। अगर उसने कहा उसे किसी बेवकूफ के साथ नहीं जाना तो? हाँ, ये लाइन तो इसी के लिए है। मैं अपनी सारी बेवकूफियों की एक लिस्ट बनाऊंगा और एक्सरसाइज से उन्हें दूर करूंगा, जैसे कि स्केटबोर्डिंग और शार्क रेसलिंग से। दोस्तों, आ गई। कैसी हो? मैं सबको ये दिखाने आई हूँ। मशहूर न्यूरोकेमिस्ट डॉक्टर टाइलर रॉकवेल अचानक ही कहीं गायब हो गए हैं। मैं रॉकवेल के कलीग डॉक्टर विक्टर फाल्को से बात कर रहा हूँ। उनसे बात किए हुए कई दिन हो गए, इसलिए मैं उनसे मिलने लैब चला गया। वहाँ सब कुछ दिख रहा था और वो गायब थे। मुझे डर लग रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्हें तो अब इसका मतलब है क्राइम पूरे शहर के साइंटिस्ट को किडनैप कर रहा था, जिनमें मेरे डैड भी थे। शायद रॉकवेल के पीछे भी उन्हीं का हाथ हो, या फिर उनके हाथ का नाखून भी ना हो। उन्हें ढूंढने का एक ही तरीका है, हमें लैब में जाकर सुराग ढूंढना चाहिए। अप्रैल ने सही कहा, हमें वहाँ जाना चाहिए। क्या कहा? तुम सब बिजी हो, लगता है हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। चलो अप्रैल। क्या ये भी इसके प्लान का हिस्सा था? वो, अरे हाँ, बड़ा चालू निकला ये तो। दुनिया में कोई इलेक्ट्रिक लॉक नहीं है जिसे मेरी डिजिटल लॉक की खोल ना सके। क्या बात है। अप्रैल, ये जगह तो काफी डरावनी है। वो जरूर जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या तो यहाँ कोई खुफिया रिसर्च चल रही थी, या फिर कोई डेंटिस्ट दांतों से कीड़े निकालता था। Hmm.
वाओ, म्यूटाजेन है। टॉनी, तुम्हारे पीछे। डॉक्टर फाल्को, तुम क्या हो? आराम से, मैं तुम्हें खाने जाऊंगा। तुमने मुझे डरा दिया। डराने के लिए माफ करना, हम मदद करने आए हैं। काश मुझे तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता होता तो जरूर बताता। वैसे आप इसके बारे में क्या जानते हैं? एक सूट बूट वाले गुंडे ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए रॉकवेल को काफी पैसा दिया था। क्या वो ये था? हाँ यही था। ये क्रैंग है। हाँ, पर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं कौन सा नया शैतान बनाने वाला है। तुम्हें कुछ पता है? कुछ भी नहीं। क्या वो शैतान उस पिंजरे में बंद था? उसका हुलिया कैसा था? जरूरी नहीं है इससे सिर्फ शैतान ही बने। उस पिंजरे में एक बंदर था, वो उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ओ, शायद उसे पिंजरे में बंद होना ज्यादा पसंद नहीं था। रॉकवेल उसके साथ बुरा सलूक करता था। शायद रॉकवेल को क्रैंग ने किडनैप नहीं किया। हो सकता है वो बंदर गुस्से से पागल हो गया और पिंजरा तोड़कर उन्हें साथ ले गया या मार डाला। क्या तुम्हें लगता है बिना किसी सुराग के हम रॉकवेल को ढूंढ पाएंगे? शायद उनकी फ्लैश ड्राइव से हमें कोई काम का सुराग मिल जाए। कैसी फ्लैश ड्राइव? मैंने उनके डेस्क से निकाल लिया था। शाबाश। वो तो है, मैं हमेशा हर जगह अपना दिमाग चलाता हूँ, तभी तो मैं। ध्यान से टॉनी, ये वही शैतान म्यूटेंट है। मैं भी तो उसी के जैसा हूँ। टॉनी, ठीक तो हो ना? हाँ ठीक तो हूँ। डॉनी, मैं बस इसकी ताकत आजमा रहा था, अब इसे मजा चखाता। मुझसे उलझे मत, पछताओगे, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। कोई बात नहीं, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये क्या है? डॉनी, चोट लगी है? हिम्मत टूट गई और साथ में दो चार हड्डियां भी। आराम से। अब इसे क्या हो गया? एक बंदर ने डॉनी की धुलाई कर दी। एप्रिल, क्या तुम थोड़ी बर्फ ला सकती हो? डॉनी, तुम ठीक तो हो ना? ठीक ठीक समझ लो, अच्छी बात है। तुम एक बंदर से पिटके आए, वो भी अप्रैल के सामने। इसमें हंसने की क्या बात है? और वो बंदर एक शैतान म्यूटेंट था। अच्छा, तो तुमने उसके केले चुराए थे, है ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो गोरिल्ला बन चुका है। अब बंदर का नाम मत लो। तुम इस पर हंस रहे हो क्योंकि ये पिट गया है? नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये पिट गया सिर्फ एक बंदर से। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट हूँ, फिर भी मैं एक मरियल बंदर से कैसे पिट गया? तुम काफी बुद्धिमान हो, मगर लड़ाई में तुम अपनी बुद्धि नहीं लगाते। मुझे समझ नहीं आता, बिना सोचे समझे कोई कैसे लड़ सकता है? देखो ध्यान से। देखा तुमने?
माइकी ने अपना दिमाग लगाया ही नहीं। थैंक यू। क्योंकि है ही नहीं। तुम अपनी सूझबूझ को रट्टू तोते की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। माइकल एंजेलो से भी सीखा जा सकता है। हाँ, पर माइक तो सूझबूझ के बारे में कुछ भी नहीं जानता मास्टर। ये देखो, इतना बड़ा कीड़ा। हम हाँ, पर माइकी के सामने भी कम चुनौतियां नहीं है। दोस्तों देखो, मुझे कुछ मिला है। इन नोट्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, पर लगता है रॉकवेल म्यूटेजिन को मॉडिफाई करने में कामयाब हो गया था। उसने ऐसा क्यों किया? उसे लगा वो इससे न्यूरोकेमिकल बना लेगा जो किसी को भी थोड़ी देर के लिए शैतानी पावर दे सकता है। उस बंदर के पास भी वही ताकत थी? मुझे लगा जैसे वो हमारा दिमाग पढ़ रहा हो। जॉनी के गिरते ही वो मेरा दोस्त बन गया था। अगली बार मैं लड़ने की बजाय उससे कहूंगा, दोस्त मेरे गाल पर एक चांटा रसीद कर दो। सुनो, हमें उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किसी और पर हमला कर दे। ऊपर चलते हैं और अलग अलग होकर उसे तलाश करते हैं। एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करेंगे? शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। जेंटलमैन और देवी जी, हाजिर है मेरा टीफोन। डूड, इसका नाम तो मैं ही रखूंगा। आज से हम इसे कहेंगे टीफोन। मैंने भी टीफोन ही कहा था। हाँ, मगर मुझे नाम रखना होता तो मैं भी ये रखता, टीफोन। अप्रैल, सुनो, अगर तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो तो मैं तुम्हें भी खबर कर दूंगा। जरूर। हाँ, देखा, ऐसे लेते हैं नंबर। उसका नंबर उसके फ्रिज पर भी लिखा है, बेवकूफ। दोस्तों, किसी ने अभी अभी बंदर को पिछली गली में देखा है। मैं अभी उसे पकड़ता हूँ। माइकी, वो बंदर तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो ठीक मेरे सामने। डॉनी, तुम तैयार तो हो ना? पकड़ लूंगा और बहुत मारूंगा। कहाँ गया वो? उसने रास्ता बदल दिया। माइकी, बंदर तुम्हारी तरफ आ रहा है। मैंने देख लिया। रुक जा बंदर। रुक जा बंदर। किसी ने देखा वो कहाँ गया? लगता है वो उस तरफ गया होगा। नहीं, वो उस तरफ गया होगा। नहीं नहीं, मैंने उस तरफ। ओ लाल बंदर, तुम कहाँ हो? तो सुना करो यार। जाओगे बच्चू? शाबाश, हमने बंदर को तो दबोच लिया, मगर डॉक्टर रॉकवेल का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है मुझे उनका पता चल गया है। क्या? पर कैसे? मेरे ख्याल से यही डॉक्टर रॉकवेल है। इसे थोड़ा आराम मिलेगा, बेचारा रॉकवेल। क्या इन्हें फिर से ठीक नहीं किया जा सकता? मुझे नहीं पता ये कैसे किया जाता है, मगर मैं अपने दोस्त को पहले जैसा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तो ये गेम समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं जीतूंगा कैसे? पिज्जा हाजिर है। खुशबूदार पिज्जा, मगर खेलना जरूरी है। पिज्जा ज्यादा जरूरी है। मैं हार नहीं सकता, पर भूख भी बहुत लगी है। माफ करना, हम तुम्हारे पापा को नहीं ढूंढ पाए। अप्रैल, कोई बात नहीं, क्राइम के बारे में जो पता चला है उसी से हम छानबीन करेंगे। हाँ, पर उस रिसर्च का क्या जिसने उसे बंदर बना दिया?
अच्छा ये तो बताओ अप्रैल, तुम्हें कैसे पता चला कि वो बंदर असल में एक इंसान है? मुझे नहीं पता, कई बार मैं चीजों को जैसे महसूस कर लेती हूँ। महसूस? यकीन नहीं होता। डॉनी तुम भी कुछ खा लो यार। क्या? मुझे भूख नहीं है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फाल्को ने कहा था कि रॉकवेल एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मगर इन नोट्स के हिसाब से उस लैब में कभी कोई बंदर था ही नहीं, वहां तो बस एक बंदर के डीएनए के सैंपल्स थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वहां कोई बंदर था ही नहीं तो फिर पिंजरा तोड़ा किसने? वो रॉकवेल ही होगा। मतलब फाल्को ने उन्हें वहां बंद कर दिया होगा और वो शुरू से ही झूठ बोल रहा है। मत चलाओ टेलर, तुम इतना ड्रामा क्यों करते हो? खेल खत्म हो गया, फाल्को हम सब कुछ जान गए हैं और अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मुझे बोलने तो दो। वो तो तुम बन चुके हो। पर अब नहीं फाल्को, हम जानते हैं तुमने ही रॉकविल का ये हाल किया है। किसी पर तो अपना टेस्ट करना ही था। हाँ, पर जब तुम्हारा काम नहीं बना तो तुमने उसे बंदर बना दिया। ये दिमागी न्यूरोकेमिकल है जिसे मैंने इस म्यूटेंट के दिमाग से निकाला है। ये मुझे ताकत देता है, मैं दूसरों के दिमाग पर कब्जा कर लेता हूँ। तो ये सारा प्लान तुमने ही बनाया था? हाँ बिल्कुल, अगर हम किसी की सोच को पढ़ लें फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। ओ ऐसा क्या? तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं तुम्हारा मार मार के मेरा भुर्ता बना दोगे। मजाक अच्छा कर लेते हो। और पिटाई भी। या बच गया। या क्या दिमागी ताकत है इसकी। वो हमारा दुश्मन है बुद्धू, उसकी इतनी तारीफ मत करो। ओ ठीक है, जब वो अपनी बकबक कर रहा था तो मैं कुछ और ही सोच रहा था। ब्ला ब्ला ब्ला, माफ करना। अगर वो हमारे दिमाग पढ़ सकता है तो हम उसे कैसे हराएंगे? डरो मत, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि मैं लड़ने का काम दिमाग से नहीं करता। अरे हाँ सच में, मैं लड़ने में हमेशा दिमाग क्यों नहीं चलाता? अरे नहीं, मैं तो ना सोचने के बारे में सोच रहा हूँ। दिमागी ताकत वाले को हराना नामुमकिन है। एक बार तुम्हें गायब कर दूं फिर कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा। इतनी दूर की मत सोचो। तुम्हारे उलझे हुए दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। तुम एक साथ कई बार सोच के आए थे। अफसोस मैंने सबको एक साथ देख लिया था। खैर छोड़ो, क्या तुम अब भी अप्रैल को बाहर घुमाने के बारे में सोच रहे हो? मैं इसे हरा सकता हूँ, बस मुझे बिना सोचे लड़ना होगा। बिना दिमाग के, बिना दिमाग के। सोचो मत, बस लड़ो। वाह डॉनी, धूल चढ़ा दी उसे। मेरी बैक फ्लिप्स का ज्ञान तुम्हारी खोपड़ी में घुस गया है। क्यों डॉनी? इस वक्त हमारा पलड़ा भारी है। चलो फाल्को से क्रैंक के बारे में पूछते हैं। फाल्को भाग गया। अब उसका क्या करना है?
ऐसा लग रहा है कि ये हमें थैंक्स बोलना चाहता है। शहर में अगर किसी ने इसे गुस्सा दिलाया तो मुझे लगता है ये उसका जूस बनाकर पी जाएगा। बच्चों बंदर, वरना मैं वो यहाँ रहना सीख जाएगा। अप्रैल, तुम में महसूस करने की गजब की क्षमता है। मैं पूरी जिंदगी इसी को पाने की ट्रेनिंग कर रहा था। फिर तो ये आपको भी मिल जाएगी। मिल चुकी है, पर एक लंबे वक्त के बाद। हाँ, पर बुरा मत मानिए। देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुनोइज की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, यानी एक निंजा लड़की की। अरे वाह, मुझे इसमें मजा आएगा। अगर मैं सीख गई तो मैं किसी की भी हड्डियाँ चटका सकती हूँ। हम अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। ओ हाँ हाँ, मैं भी नहीं, मगर चटका सकती हूँ ना। हाँ, मगर सोच लो, ये तुम्हारे सब्र और सहन शक्ति का इम्तिहान होगा। दिमाग, शरीर और इच्छा शक्ति तीनों जवाब दे सकते हैं। यानी हाई स्कूल जैसा होगा। हे अप्रैल, आज रात कहीं बाहर चलोगी? आइडिया तो अच्छा है डॉनी, मगर माफ करना, मैं कुनोइच की ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा, स्प्लिंटर के साथ ट्रेनिंग कर रही है तो हाँ, क्यों ना हम दोनों कभी कभी एक साथ ट्रेनिंग करें? हाँ, मजा आएगा। देखा तुमने, कुछ चीजों में प्लानिंग ही काम आती है दोस्त।